अरे बेटा कितनी बार कहा है दो दिन के लिए मायके आई हो, आराम कर ले। बजरी काका, ससुराल में भी तो आराम ही करती आई हूँ, आज आप मेरी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तो मदद कर सकती हूँ ना दीदी। आइए सब। बहुत देर कर दी साहब आपने आने में। बोलिए ना, क्या नहीं हो सकता? मैं चैतन्य का आज ऐसे इंतजार कर रही हूँ जैसे बरसों के बाद मिल रही हूँ। एक दिन की दूरी और इतनी बेताबी। चैतन्य, अब आप ही जाइए। कहाँ हैं आप? बस, और इंतजार नहीं होता मुझसे। रात में कहां जा रहे? क्या हुआ कुछ बताइए तो। आराम से, आराम से। मर गए। वो मर गई। कौन मर गई? कहां मर गई? अदिति, अदिति, अदिति मर गई। अदिति मर गई। आराम से, आराम से। आप डरिए नहीं, हमें आराम से सब कुछ बताइए, तभी तो हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। कौन मर गई? कहाँ मर गई? वो इस हवेली में एक लड़की मर गई। उस हवेली में लड़की मर गई? कब? अभी अभी। मैंने खुद उसकी लाश देखी। उसकी लाश देखी अभी। ये हवेली तो पिछले 50 साल से वीरान पड़ी हुई है, वहां कोई नहीं रहता। वह हवेली तो भूतों की हवेली है, भूतों की हवेली। अरे नहीं, मैंने अभी अभी देखी है, मैंने खुद अभी देखी है, अपनी आंखों से देखी है लाश। नहीं साहब, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ ऐसी कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने खुद अपनी आंखों से अभी उसकी लाश देखी है यहाँ पे इसी हवेली में। नहीं साहब, मेरा कहने का मतलब यह है उस हवेली में कोई नहीं रहता साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे साथ आइए। चलिए दिखाइए कहाँ है लाश। आइए, कहाँ देखिए लाश। चलिए मेरे साथ आइए।
आइए सर, आइए, मैं कह रहा हूँ आइए। कहाँ देख ले? आइए आइए, दिखाइए। चलिए दिखाइए, कहाँ देखी लाश? आइए आइए, दिखाइए। कहाँ देखा आप? दिखाइए दिखाइए। देखिए, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता? इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी मुझे मेरी गाड़ी में रोक के मुझसे कहा कि उसकी कोई लड़की इस हवेली में बीमार है, उसको मदद चाहिए। मैं यहाँ पे मदद करने आया तो देखा वो उसकी लाश वो मरी पड़ी थी। आप उसकी लाश यहाँ पड़ी थी, इंस्पेक्टर उसकी लाश यहाँ पड़ी थी। यहाँ पे वो बुरी औरत यहाँ पे बैठी हुई थी और इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे दवाएं भी पड़ी हुई थी। तो यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ आप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, पिछले 50 सालों से ये हवेली वीरान पड़ी हुई है, यहाँ कोई नहीं आता जाता। मेरी बात कीजिए, यहाँ पे उसकी लाश पड़ी थी और यहाँ पे और बैठी थी। देखिए इस कमरे की हालत को देखिए, ऐसा लगता है जैसे बरसों से यहाँ कोई किसी ने कदम तक नहीं रखा हो। ये धूल, ये जाले, और यहाँ देखिए जमीन पर, यहाँ आपके पैरों के निशान दिख रहे हैं, मेरे पैरों के निशान दिख रहे हैं, इसके अलावा किसी के निशान दिख रहे हैं आपको? नहीं ना। देखिए आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, शायद आप कहीं और गए और आप फिर नहीं। मेरे को कोई गलत फहमी नहीं, आप मेरा यकीन कीजिए। आप चलिए, मुझे कोई गलत फहमी हो ही नहीं सकती। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ आया था और यहाँ पे लाश वो पड़ी हुई थी, कैसे ऐसे हो सकता है? आप शांत हो जाइए। देखिए इंस्पेक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको देखिए वहाँ पे एक बार जो था ना, वो दो औरतें थी। तो देखिए आप इनको समझाइए। कोई नहीं है वहाँ पे। अरे मैं कह रहा हूँ आपसे वहाँ पे, अरे भाई आप एक बार, एक बार और देखते वहाँ पे ना, तो दो औरतें थी। मैं आपसे कह रहा हूँ और अचानक देखने को जब वो देखते हैं वैसे, तो कैसे? मैं आपसे कह रहा हूँ Thank you.
देर कर दी साहब आपने आने में। वह हवेली तो भूतों की हवेली है, भूतों की हवेली। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस हवेली में कोई नहीं रहता साहब। चैतन्य अभी तक आए क्यों नहीं? लगता है मौसम ठीक ना होने की वजह से देर हो गई होगी। इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। दीदी वैसे कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि जितना ज्यादा इंतजार उतना ज्यादा प्यार। पर मैंने कहा ना मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। पर दीदी आपके चेहरे की रंगत तो कुछ और ही बता रही है। इन नजरों का बार बार उस दरवाजे की ओर उठना, हर आहट पर चौंक जाना, और फिर आप कहती हैं कि आपको किसी का इंतजार नहीं है। आ गया फोन। हेलो कोई चिंता की तो बात नहीं है डॉक्टर साहब। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, रात भर आराम करेंगे तो बेहतर फील करेंगे। मैं कल फिर आऊंगा इन्हें देखने के लिए। अच्छा खासा यहां से गया था। ये देखो क्या हालत हो गई मेरे बेटे की। मासा हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, हम जानते हैं ये सही मौका नहीं है बात करने का, लेकिन हम क्या करें, हमसे रहा ही नहीं जा रहा है। एक्चुअली चैतन्य भाई साहब की जो हालत है ना उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि आपकी अपनी अपशगुनी बहु अनुपमा है, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। चैतन्य को क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया माँ? वो ठीक तो है ना? बोलिए ना माँ।
सच माँ, ये चैतन्य तो हमारे लिए सोने पे सुहागा साबित हुआ। हमारे प्लान का हिस्सा कहाँ था ये? अब इसे हमारे प्लान का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। वो शारदा जी शगुनी शगुनी बहू कह के उनका मुंह नहीं थकता था, मगर अब अनुपमा की अब शगुनी को कब तक नजरअंदाज करेंगी? ये बात तो तेरी 100% करेक्ट है। ना सोचने की बात तो ये है कि ये शारदा जी हैं, भला कब तक नजरअंदाज करती फिरेंगी इस मनुष्य अनुपमा की मनुष्यत को? वो एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, बार बार तो नहीं ना करेंगी। राम झूठ ना बुलाए। सच कहूं माँ, तो मुझे बड़ी बेसब्री से रिधिमा के फोन का इंतजार है। जब रिधिमा फोन करके हमें अनुपमा के दुखों का आंखों देखा हाल बताएगी। माँ, काफी रात हो चुकी है, मैं चैतन्य को कमरे में ले जाती हूँ। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं अनुपमा, चैतन्य यहीं रहेगा मेरे पास, इसी कमरे में। पर माँ, मैंने कहा ना अनुपमा, तुम थक गई होंगी, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। तो फिर मैं भी यही? नहीं अनुपमा, देखो अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। लगता है आज अशुभ को अशुभ मानने की शुभ शुरुआत शुरू हो गई। आज जिस तरह से मासा ने अनुपमा के साथ बर्ताव किया है, हमें ऐसा लगता है कि जल्द ही हमें कामयाबी मिलने वाली है। जरूर होंगे। कॉन्ग्रैट्स। ऑलराइट, गुड नाइट। हाँ, आज की नाइट तो गुड होगी ही। आज बड़े दिनों बाद चैन की नींद सोएंगे हम। चलो बाय। मैं अनुपमा दीदी के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा और मैं ये अच्छी तरह समझ गया कि इस घर में अनुपमा दीदी की जिंदगी में अनुज नाम का जहर खोलने वाला कौन है। मॉम, काश आप यहाँ पर होते और आप अनुपमा की ये हालत अपनी आंखों से देखते, तो आप तो खुशी के मारे मुझे अपने गले लगा लेती।
और नानी वो तो कहती कि मेरे कलेजे में ठंड पे गई ठंड। क्या दुश्मनी है तुम्हारी अनुपमा दीदी के साथ? जब अनुपमा दीदी उस घर में रहती थी तो तू उन्हें चैन से जीने नहीं देती थी। आज जब खुशियां उनके कदम चूम रही हैं, तो तुम यहां आ गई उनकी खुशियों को आग लगाने के लिए। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नरक में जाओगे तुम लोग, नरक में। अपना सामान पैक करो। इस बार अगर कोई नाटक किया ना तो जरा भी लिहाज नहीं करूंगा, घसीटते हुए तुम्हें यहां से लेके जाऊंगा। एंड आई एम सीरियस।